बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं, ये बोर्ड है हमारे सामने KFR51W BP2 RX 2040। इस बोर्ड का इस्तेमाल वोल्टास में, पैनासोनिक में, ब्लू स्टार में, लॉर्ड में, कई कंपनियों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया है। तो आज हम इसमें जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एसी फैन के बारे में, इसका सर्किट किस तरह से होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है जब फैन ना चले तो इसके सर्किट को हम ट्रेस करेंगे और कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, क्या है इसका स्ट्रक्चर, तो इस मौजू पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक बार और देख लें। बोर्ड है KFR51W BP2। तो इस पे लगने वाली मोटर को चलाने के लिए किस किस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है तो देखिए, इसमें जो सबसे अहम रोल है वो सबसे पहले बनता है MCU का। देखिए, इसमें जो MCU यूज़ में लाया गया है वो है R5F524T8A वाला MCU है और ये 5 वोल्ट पर ऑपरेट होता है और ये MCU अगर अपनी पिन नंबर 97 और 98 से सिग्नल आउट नहीं करेगा, इसकी पिन नंबर यहाँ पर मिलेगी आपको इस जगह पर 98 97, और ये सिग्नल यहाँ से आउट होगा और इस लाइन पर आप देखेंगे 5 वोल्ट होना चाहिए। किस पर? 97 पर और 98 पर, पिन नंबर 97 पर 98 पर 5 वोल्ट होना चाहिए। जो आपके आगे चल के इसमें एक आईसी लगी होती है, आईसी लगी UL2003 आईसी लगी हुई है। इस आईसी पर MCU की पिन नंबर 98 और 97 से सिग्नल, इनपुट सिग्नल इस पर आएगा। इस आईसी की पिन नंबर 10 और 11, पिन नंबर 10 और 11 जो है वो कनेक्टेड रहेगी MCU की पिन नंबर 97 और 98 से। कौन से पिन? पिन नंबर 10 और 11, और 10 और 11 पर आप चेक करिएगा 5 वोल्ट सप्लाई, क्योंकि ये बाईपोलर IC है और इससे आउट होता है ग्राउंड, ठीक है ना, इससे आउट होता है ग्राउंड क्योंकि ये ग्राउंड आउट करती है IC। और इसकी पिन नंबर जस्ट 11 और 10 के सामने वाली जो पिन है, इसके जो सामने वाली पिन है यानी कि पिन नंबर 7 और 8, इसकी ये दोनों पिन आउटपुट पिन हो गए। पिन नंबर 7 और 8 आउटपुट पिन है बाईपोलर आईसी की। इनपुट पिन कौन सी? पिन नंबर 10 और 11। एक बार और समझ लें कि CPU की पिन नंबर 97 और 98 से सिग्नल आउट होगा और इस सिग्नल में 5 वोल्ट सप्लाई भी होगी और ये दोनों सिग्नल इस आईसी यानी के बाईपोलर आईसी की पिन नंबर 10 और 11 पर आ जाएगा। तो इसकी जो पिन नंबर 10 है, अगर हम 10 के जस्ट सामने वाली पिन देखेंगे तो सामने आ रही है पिन 7 और 11 के सामने देखेंगे 8। तो पिन नंबर 7 और 8 पिन है आउटपुट और वहाँ चेक करेंगे तो मिलेगा आपको ग्राउंड।
ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको ग्राउंड। ये ग्राउंड आउट होके कहाँ जाएगा? दो ग्राउंड जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं दो? किसी में एक भी मिलता है, किसी में दो होते हैं। दो होने की वजह ये है क्योंकि यहाँ पर दो रिले लगी हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो रिले लगी हुई हैं, एक ये है रिले और एक ये लगी है, रिले फोर और रिले थ्री, रिले नंबर थ्री और रिले नंबर फोर। तो इन दोनों पर ग्राउंड आएगा। और देखें आप, ये रिले का, ये रिले हैं, आप देखेंगे कि एक पिन पर पहले से यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई मौजूद है, क्योंकि ये 12 वोल्ट की रिले है, 12 वोल्ट की रिले है तो पहले से 12 वोल्ट मौजूद है। और इसके सामने वाली पिन पर बाइपोलर आईसी की पिन नंबर 7 से ग्राउंड आएगा और ये रिले ऑन हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से इस वाली रिले पर भी 12 वोल्ट पहले से मौजूद है और दूसरी पिन पर बाइपोलर आईसी से ग्राउंड आएगा और ये रिले ऑन हो जाएगी। और रिले जैसी ऑन होगी तो इसको जो है, इस रिले के दूसरी तरफ जो है वो एसी सप्लाई रहती है, और रिले ऑन होने पर ये आपस में कंडक्ट हो जाएंगी, मिल जाएंगी और इस पिन पे पहुंच जाएंगी, इसी तरीके से इन पे पहुंच जाएंगी। एक पिन वो बचती है, वो होती है न्यूट्रल की। तो इस तरीके से ये यहाँ पर एसी सप्लाई आ जाएगी। बताना कुछ ये है कि अगर एसी मोटर नहीं चल रही है तो बहुत हद तक चांसेस ये देखने को मिलते हैं कि इसकी के जो रिले है, इसकी रिले अक्सर ख़राब मिल जाती हैं, ये रिले ख़राब हो जाती हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बाईपोलर आईसी को हमें चेंज करना पड़ता है, इस बाईपोलर आईसी ULN2003 को भी चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि इससे ग्राउंड आउट नहीं होता है। ठीक है, अगर बाईपोलर आईसी भी ठीक है, हमारी रिले भी सही है, रिले के दूसरी तरफ 12 वोल्ट भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बाईपोलर आईसी से ग्राउंड आउट नहीं हो रहा है, तब आप MCU की पिन नंबर 97 और 98 का कनेक्शन चेक करें, कनेक्टिविटी चेक करें इस आईसी की, 97 98 की कनेक्टिविटी बाईपोलर आईसी के बीच में चेक करें। अगर ब्रेक है, ओपन सर्किट हो गया है तो उसे बनाएं। तो ये बहुत मुश्किल सर्किट नहीं है, आसान सर्किट है, बस कॉन्सेप्ट हमारे जहन में होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से कंपोनेंट्स यूज़ में लाए जाते हैं, रिले कितने वोल्ट की लगी है, रिले पे ग्राउंड कहाँ से आएगा, और इस आईसी को, जैसे ये आईसी है बाईपोलर आईसी है, तो इस आईसी को भी ऑपरेट होने के लिए सप्लाई चाहिए। ऐसा नहीं है खुद सिग्नल इनपुट आया और ये आउटपुट दे दे, तो इसको भी सप्लाई चाहिए, तो इसको भी 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए। इसकी एक पिन जो होती है, पिन नंबर 1 ये है और पिन नंबर 8 ये है, तो यहाँ ग्राउंड होगा सामने वाली पिन 9 पर, आप 12 वोल्ट सप्लाई चेक करें। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई नहीं है बाईपोलर आईसी पर, तब भी आपका ग्राउंड आउट नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है आप इस वीडियो ज़रूर कुछ समझे होंगे, और आसान है ये, बहुत आसानी से आप इसे ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक हमारे बीच बीच में आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और आप प्लीज़ इसे देखें और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की वीडियोस आपके सामने पेश करते रहें। जो भाई इन्वर्टर ACPCB रिपेयर कराना चाहते हैं तो वो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत मुनासिब रेट पर इन्वर्टर ACPCB रिपेयर की जाती हैं। थैंक यू सो मच, जल्द किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।